विलोपन विधि सॉल्व करेंगे, सवाल को विलोपन विधि सॉल्व करेंगे। आप लोग अगर वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे ना, आप लोग विलोपन विधि समझ में नहीं आएगा। हंसने की कोई बात नहीं है, आप लोग डायरेक्ट सवाल को फोकस करना है, ठीक। हल करना है यहाँ पे विलोपन विधि। सबसे पहले इसमें देखना क्या होता है, इसमें गुना करना पड़ता है। गुना करने के लिए क्या होता है, गुना करने के लिए जो है नीचे की समीकरण से ऊपर में, यानी यहाँ नीचे में दो है तो ऊपर में गुना कर देना, और ऊपर में क्या है छः, तो इसको गुना कर देना। इसमें समीकरण एक में किए दो से गुना, और समीकरण दो में छः से गुना किए। अब उसके बाद क्या होगा, समीकरण यहाँ लिख देना, समीकरण एक, समीकरण एक गुना कितना से दो, अब इसमें घटा कर देंगे, घटा इसी में लिख देंगे, फिर समीकरण, फिर समीकरण कितना घटा करना है दो, यानी कितना से गुना किए समीकरण को, समीकरण को गुना किए छः से, यानी दो को छः से गुना किए, कर देना इतना से लिख देना। अब दो गुना छः करेंगे तो दो छा के बारह हो जाएगा, फिर प्लस है प्लस, फिर चार गुना दो करेंगे चार गुना आठ वाई, फिर दस बीस गुना दो करेंगे तो बीस गुनी का चालीस हो जाएगा। ये हो गया पहला समीकरण का। अभी दूसरा से दो गुना छः, दो छा के बारह एक्स, माइनस है तो माइनस, फिर दो छा के बारह वाई बराबर दस गुना छः करेंगे, दस छा के साठ, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, कर देना है। इसमें क्या होगा, ई कट जाएगा, कट गया, यहाँ पे जुड़ जाएगा तो बारह और आठ जोड़ने पर कितना हो जाएगा बीस वाई, यहाँ पे घटने पर कितना लग जाएगा, घटने पर क्या आ जाएगा माइनस में आएगा ना, माइनस बीस आ जाएगा, इसलिए वाई बराबर हो जाएगा कि माइनस बीस ऊपर हो जाएगा और ये वाले बीस नीचे कटने बाद वाई बराबर एक आ जाएगा, माइनस का माइनस है माइनस लगेगा, हो गया। उसके बाद वाई का मान निकाल देना है, वाई का मान समीकरण, y का मान समीकरण कोई भी समीकरण में रख देंगे, एक या दो ऊपर से, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रख देंगे, एक में रखने पर, समीकरण एक में रख दिए, समीकरण एक में रखे तो समीकरण एक लिखना पड़ता है, सिक्स एक्स प्लस फोर वाई बराबर का बीस, ये छ है तो छ लिख देंगे, छ एक्स फिर प्लस वाई गुना वाई बराबर यहाँ निकल कर रेडी है माइनस एक बराबर बीस, फिर छः एक्स प्लस चार गुना माइनस एक करेंगे प्लस माइनस या माइनस चार इक्वल टू बीस, उसके बाद छः एक्स बीस को इधर करेंगे प्लस माइनस में है इधर चार तो इधर चलाएगा प्लस में, इसलिए छः एक्स बराबर जुटने बाद चौबीस, इसलिए एक्स बराबर चौबीस ऊपर हो गया छः नीचे, इसको कटाएंगे छः छः के चौबीस चार में कटेगा, एक्स बराबर चार यहाँ लिख देंगे, अतः एक्स बराबर चार, एक्स बराबर चार और वाई बराबर माइनस एक हो गया आंसर। हाय हाय।